हेलो दोस्तों, की हाल चाल ने? सारे वधिया फिट ने? ते मैं आज लेके आया एक होर व्लॉग। आज आप जा रहे हैं मीरपुर। तो सुजानपुर देखे लिए जाने के दो रास्ते हैं। एक अगर आप जाते हो प्रगलांदर होते हुए तो लगभग 28 किलोमीटर है, जिसमें आपको एक से डेढ़ घंटे का सफ़र लगेगा। रोड टूटा फूटा हुआ है, हमने वो रोड जो है अवॉइड कर दिया। हम नहीं चाहते वो टूटे फूटे रोड में फंसना, और आपको पता ही है कि टूटे फूटे रोड में गाड़ी ड्राइव करने में भी कितना दिक्कत होती है। तो हमने अपना गाड़ी का रूट लिया है दूसरा, जिसमें आप चबूतरा होते हुए सड़का और सुजानपुर होते हुए आप सुजानपुर के फोर्ट तक जाएंगे। ये वाला रास्ता तो बहुत ही स्मूथ है, एकदम वेल, मतलब टू लेन रोड है और बहुत ही अच्छा व्यू भी है। अगर आप रास्ते में कहीं फोटोग्राफी करने के लिए भी रुकते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं और एकदम ग्रीनरी है, और सामने हिमालय बर्फ़ के पहाड़ भी दिखते हैं। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूँगा कि आप जब भी सुजानपुर फोर्ट जाएँ तो आप इसी रूट का इस्तेमाल करें। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, 28 किलोमीटर है, और आपको इसमें जाने में मात्र 40 से 45 मिनट लगेंगे। हमें तो 40 मिनट लगे थे। आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। मैं आज इस ट्रिप पे निकला था अपने दोस्त अमित, ब्रदर मेरा अमित, और दूसरा मेरा साडू है अंकुश। अंकु के साथ हम निकले थे सुबह ही 11 बजे के आसपास हम निकले थे। तो आज हमने बनाया है एक दिन का प्लान कि आज हम अपना जो है सुजानपुर फोर्ट घूम के आते हैं। हाँ दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उस पर एक बार दबा दीजिए। और बेल आइकन को भी नोटिफाई, आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियो आपको जो है नोटिफाई, आपको पता लग जाए कि मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो जो नीचे बेल जैसा आइकन दिख रहा है उस घंटी पर दबा दें। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है मेरी कोई बताई गई जानकारी आपके किसी दोस्त के काम आ जाए, और आप भी कभी घूमने आते हो तो आपको भी फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको मैं सारी जानकारी दूंगा यहाँ पे कैसे पहुँचा जाता है और कैसे कितना खर्चा आता है। तो ये हम पहुँच चुके हैं सुजानपुर। सुजानपुर का बस स्टैंड जहाँ से ख़त्म होता है बिल्कुल एंड में, वहाँ से अपने लेफ्ट टर्न लेना है और ऊपर की तरफ रोड जाता है। इस रोड पे हमने जो है 2 से 2.5 किलोमीटर कंटिन्यू करना है। ये सिंगल थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा सा अगर देखा जाए इस ट्रैक में तो यही थोड़ा सा गंदा सा रास्ता मिलेगा देखने को। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको जो है ऊपर की तरफ चलते जाना है, और कोई साइड में लिंक रोड है भी नहीं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। मैं आपको जो नीचे सुजानपुर का चौगान था उसका भी वीडियो दिखाऊँगा जो एंड में दिखाया जाएगा। मैंने शुरू में ये सोचा पहले कि चलो ऊपर ही चलते हैं, अभी टाइम क्यों वेस्ट करना, सीधा पहले ऊपर जो धूप भी अच्छी आ रही है तो वीडियो शॉट और फोटोग्राफी भी अच्छी होगी, तो सीधा ही ऊपर ही किले की तरफ निकल लिए। तो देख रहे हैं ये नैरो सिंगल रोड में हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, थोड़ी देर में पहुँच जाएँगे वहाँ पर। इसके अलावा मैंने इस जगह पे आने के लिए जो जो डिटेल हैं जो वीडियो में बताई हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हैं, आप ये चेक भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक भी दिया, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ताकि यूट्यूब पे तो वीडियो लेट आती है, जैसे ही मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो उसके जो स्टोरीज़ हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ। तो आप मेरी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे कैसे पहुँचें, कब कब बस आती है, तो किस किस वेदर में आना है, वो सारे डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो जी हम पहुँच गए सुजानपुर के किले में। अभी देखते हैं, पार्किंग के लिए जगह थी नहीं, हम थोड़ा आगे निकल आए। यहाँ से हम गाड़ी वाला एक और आ गया था, तो अभी रोड साइड ही पार्क करना पड़ा। वो पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे खास यहाँ के प्रशासन के द्वारा अवेलेबल कराई है नहीं, ऐसे रोड के साइड ही गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। सो ये जो रास्ता अभी देख रहे हैं आप, ये किले के बैक साइड वाला है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो किले की एंट्री का फ़िलहाल तो टेहरा प्रशासन ने कोई भी एंट्री फीस नहीं रखी है, आप यहाँ पर आइए घूमिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइड में थोड़े से ढाबे वगैरह हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, या आप वहाँ पे कॉफ़ी तो नहीं, चाय मैगी वगैरह मिल सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। तो इस किले की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, जैसे और अगर हेरिटेज प्लेसेस पे आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे 100 से 200 रुपये टिकट लगती है, लेकिन आप सुजानपुर के किले में आए हुए तो आपको कोई भी एंट्री फीस पे नहीं करनी है।
इस किले का निर्माण जो है महाराजा अभय सिंह ने 1750 ईस्वी में संसार चंद के जो अंडर उनका रीजन था उसमें करवाया था। उस टाइम ये पूरे इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल किलों में शामिल था। पूरे भारत में इसकी अलग ही मशहूरी थी। लोग इस यहाँ से दूर दूर से राजा महाराजा यहाँ पे अपने एकांतवास बिताने के लिए आते थे। लेकिन बाद में जो है 1905 ईस्वी में जब अर्थक्वेक आया था, पूरे हिमाचल में अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक में ये किला पूरी तरह से डैमेज हो गया। यहाँ पे यहाँ से पूरे सुजानपुर शहर का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं, और उसके नीचे सामने ही ब्यास नदी है। तो उस समय इस जो किले की सुंदरता की जो शान के किस्से थे वो पूरे भारत में मशहूर थे। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। किले के ऊपरी भाग में शिव मंदिर मौजूद है, जो अभी प्रशासन ने बंद कर रखा है, ना जाने किस कारण से पर्यटकों के लिए खुला नहीं है। तो जहाँ पर किले में ऐसा माना जाता है कि यहाँ अरबों खरबों का खजाना भूकंप आने के कारण दफन हो गया है, लोगों की ये मान्यता है कि इस खजाने की रक्षा यहाँ पे सांप और भूत प्रेत करते हैं, जो इसकी गुफाएं अंदर ही अंदर गुफाएं हैं जिनको जो दफन हो चुकी हैं। आल्सो कॉल्ड कटोसगढ़, दिस फोर्ट ऑफ सुजानपुर टीरा वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय महाराजा अभय चंद्रा इन 1750 एज ए मिलिट्री फोर्ट इन द रीजन ऑफ महाराजा संसार चंद्रा गोल्डन एज ऑफ द कांगड़ा किंगडम। दिस फोर्ट गेन रियोन्ड थ्रू आउट इंडिया एंड वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट beautiful places in the Himalaya. In 1905, the palatial fort was damaged by an earthquake. This mountain is a jewel of the history of the Kangra kingdom. और दोस्तों अभी हम आपको ले चलते हैं ये सुजानपुर के चौगान में। यह है सुजानपुर का चौगान या सैनिक स्कूल का ग्राउंड, आप जो भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आप होली के बाद आइए, होली में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। वो सामने आप देख रहे हैं किला जहाँ पे अभी हम गए थे। होली में यहाँ पर आने का सबसे अच्छा ये जगह है। होली पे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, राज्य स्तरीय कलाकार आते हैं, बाहर पंजाब से भी सिंगर आते हैं, और काफ़ी सारी एग्जीबिशन और मार्केट फेयर भी लगते हैं। और ये कुछ फोटोग्राफ्स, आप भी चाहें तो इस तरह की फ़ोटोग्राफी का इंजॉय आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये फोटोग्राफी क्रिएट गोस्ट टू अमित भारती, क्या गजब की फोटोग्राफी भाई ने की है यहाँ पे। और साथ में शाडू मेरा अंकुश, हमने आज यहाँ पे खूब मस्ती करी। आप भी यहाँ पे आइए, मस्ती करिए और फोटोग्राफी का इंजॉय करिए। थैंक यू। लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय जय।